मैंने ख़त्म कर दिया, मेरा अभी का चैलेंज पूरा हो गया। तो ये थी अंडा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, वाह मुझे अंडा खाने मिल जाएगा। तो ये है मेरी आज स्पेशल सा लंच। तो कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज कोई व्लॉग नहीं है और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो भी नहीं है, ये तो मैं ये अपने मन से कर रही हूँ। तो टाइटल देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये क्या वीडियो है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है मैं सुबह से लेकर रात तक मैं जो भी खाऊँगी वो वाइट कलर की खाऊँगी, यानी कि सफ़ेद सादा रंग की खाऊँगी। तो अदर और कुछ भी नहीं खाऊंगी, जो सादा रंग का जो फूड मुझे मिलेगा मैं वही खाऊंगी। तो आज का वीडियो उसी बेसिस पे है, मतलब आई ईट वाइट फूड 24 आवर्स चैलेंज, तो यही होगा मेरी आज की चैलेंज वीडियो। तो ये मुझे बहुत दिन से मन था बट मैं कर नहीं पा रही थी, तो फाइनली आज मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे चैनल में जो नए हैं प्लीज़ पूरी वीडियो को स्किप ना करके देखिए, पूरे वीडियो को आप देखिए। आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हम जो रोज़ के खाने में खाते हैं उसमें वाइट फूड होता है थोड़ा बहुत, बट अदर भी होता है। जैसा आप कुछ भी खाओ तो दूसरा कुछ कलर का खाना होता ही है, तो उसमें से आपको सिर्फ वाइट ही खाना है, तो ये सच में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पूरी वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरी आज की ये मतलब फूड चैलेंज ही बोल सकते हो बट वाइट रंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, यहाँ से बने रहिएगा चैनल के साथ। तो अभी है सुबह का 8 बज रही है, तो सबसे पहले मैं जो खाती हूँ वो है मैं एक नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो पानी का तो कोई कलर नहीं होती है, तो इसलिए मैं वार्म वाटर में थोड़ी सी नींबू डाल के मैं हर रोज़ पीती हूँ। तो ये मुझे सुबह ये पानी ही पीऊँगी सबसे फास्ट में। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कुछ बाहर से ख़रीद के लाना, बहुत डिजाइनिंग जिन्हें कुछ बहुत अच्छा अच्छा वाइट कलर का ख़रीद के खाना, तो मेरी बस की बात नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जो मेरी घर में होगा, जो मेरी अंडर में, जो मेरे हाथ में अवेलेबल है, मैं वही खाऊंगी। एक्स्ट्रा कुछ मैं पैसा इसमें खर्चा नहीं करूँगी, एक्स्ट्रा कुछ मैं ख़रीद के नहीं लाने वाली हूँ। जो मेरे घर में है, जिसको मैं ला सकती हूँ, मतलब मेरी मेरे बजट में बोल सकती हूँ, मेरे घर में जो जो अवेलेबल है मैं उसी से ये चैलेंज करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खाऊँगी, जैसे कि मैं बताई आप सबको, पानी। तो पानी का तो कोई कलर होता नहीं है, तो चलिए पानी को पीते हैं। पानी पीना मेरा हो गया और इसके बाद जो मैं खाऊंगी वो है ब्रेकफास्ट। तो चलिए सीधा जब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी तब फिर मिलती हूँ आप सबसे, और ब्रेकफास्ट में क्या है वाइट फूड वो मैं दिखाती हूँ आप लोग के सामने ही, मैं ब्रेकफास्ट भी करूंगी। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो ये है मेरी आज की ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैं आज वाइट फूड चैलेंज कर रही हूँ, मतलब सफ़ेद चीज़ सफ़ेद खाना ही मुझे खाना है। तो ये है मेरी ब्रेकफास्ट। तो बहुत कुछ थी ऑप्शन में बट इतना ज़्यादा गर्मी है ना आज नॉर्थ बंगाल में, तो मुझे कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं ये 2 केला, 4 काजू और यहाँ पे कुछ आमंड के बादाम जो मैं रात को भिगो के रखी थी। तो ये है मेरी आज की ब्रेकफास्ट और इसी बहाने, चैलेंज के बहाने मुझे थोड़ी सी हेल्दी भी मैं खा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसा ब्रेकफास्ट खाने से बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये और बहुत प्रोटीन भी है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके मैं खाती हूँ और आप सबके सामने ही खाती हूँ, आप सब भी देख लीजिए। तो चलिए मैं खाती हूँ मेरी ब्रेकफास्ट। ये है ब्रेकफास्ट जो दिखाई मैं अभी आप सबको। तो देखिए मैंने पूरा
गया और इसके बाद मैं सीधा मिलूंगी आप सबसे लंच के टाइम में। तो लंच मैं क्या करूंगी, मैं अभी भी सोच रही हूँ, मुझे कुछ भी अभी आइडिया नहीं मिली है। तो देखती हूँ अभी भी टाइम है क्या होता है, मैं ज़रूर वो तो मैं शेयर करना ही है आप सबको। पता नहीं मैं आज क्या खाऊंगी लंच में, तो ठीक है आप लंच के टाइम में आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो मिलती हूँ आप सबसे लंच के टाइम में। गाइस अभी है दोपहर के टाइम और अभी है लंच के टाइम, तो जैसे कि मैं बताई थी कि मैं एकदम डायरेक्ट लंच में मिलूंगी। सो मैं सुबह से मैं खोज रही थी, मैं ये जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ, मैं अचानक से सोची और अचानक से मैं ये वीडियो भी स्टार्ट कर दी। मैं पहले से कोई सोच के नहीं रखी थी, कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिख के रखी थी, बस मैं सोचा सुबह क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं दोपहर में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है कि मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ। और ज़्यादातर क्या होता है नॉर्थ बंगाल में ना, हम सब जो भी है ना चावल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं दोपहर का लंच में, ना चावल मेन होता है, चावल ही हम खाते हैं। तो हमारे घर में भी चावल ही है, तो चावल का कलर तो वाइट ही होती है पता है। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, लास्ट में मुझे एक ऑप्शन दिखी तो मैं वही अभी खाऊंगी आपके सामने, आप भी देखिएगा। और एक ऑप्शन मेरे पास थी तो मैं दिखाती हूँ क्या है वो। तो ये थी अंडा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, वाह मुझे अंडा खाना मिल जाएगा तो अच्छा ही होगा, मैं सब्जी वगैरह नहीं खा सकती तो मैं अंडा तो खा ही सकती हूँ। पहले मैं तो बहुत खुश हुई, बाद में मुझे याद आया नहीं अंडा के अंदर में भी तो पीला कलर है, तो मैं अंडा कैसे खा सकती हूँ। ऊपर का भाग को मैं खा सकती थी, बट ये देसी अंडा है ना इतू सा है, इसे अगर मैं बॉयल करूँ ना तो मतलब और छोटा हो जाती है, और इसका जो वाइट वाला पोर्शन है ना बहुत कम निकलता है। तो मैं सोची नहीं मैं अंडा नहीं खाऊंगी उससे अच्छा, और जो बीच का पीला वाला भाग रहता है ना वो मेरी फेवरेट है, तो मैं अंडा बॉयल करूंगी और उसको अगर ना खाऊंगी तो उससे अच्छा मैं अंडा खाऊंगी ही नहीं, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। और तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या खा रही हूँ जिसकी कलर वाइट है और क्या है वो, चलिए देख लीजिए और खाती हूँ आपके सामने। मन नहीं है फिर भी खाती हूँ क्योंकि मैंने चैलेंज स्टार्ट कर दिया, मैं चैलेंज तो हारना नहीं चाहती, चाहे वो जो भी हो जाए मैं खा लूँगी आँख नाक सब कुछ बंद करके, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए क्या है। तो ये है मेरी आज स्पेशल सा लंच, तो वाइट कलर में मुझे चावल ही दिखा और कुछ नहीं दिखा घर में, और नमक जिसका कलर है वाइट, और है प्याज है तो प्याज में ना थोड़ा सा पर्पल कलर आ गया है बीच में, तो अगर ये पर प्याज ना हो तो मैं ये भात को नहीं खा सकती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ये प्याज ली हूँ जो हल्का हल्का पर्पल है, फिर भी चलेगा ये क्योंकि वाइट में ही आता है। और उसके साथ है पानी, एक गिलास पानी, या पानी की तो कोई कलर नहीं होती है। तो मुझे बाद में जब मैं रेडी कर ली उसके बाद मुझे याद आया कि मैं आलू बॉयल कर सकती थी, बट आलू को ना थोड़ी सी मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ अभी, तो इसीलिए ये नमक से ही मुझे आज ये चावल को खाना है, मतलब वाइट खाना, तो मैं इसमें पानी डाल के खाऊंगी। तो इस हम मतलब हम बंगालीज क्या करते हैं, इसे ना हम पांता भात कहते हैं, तो इसमें और तेल और मिर्ची ये सब भी होता है, तो मिर्ची का कलर भी ग्रीन हो जा रहा है, तो मैं मिर्ची नहीं खा सकती। तो यही है, आज गर्मी भी बहुत है तो उसके बहुत अच्छा से एक ऑप्शन मुझे मिल गया, तो मैं खाऊंगी अभी पांता भात, तो इसमें मैं पानी डाल के उसके बाद खाऊंगी। तो चलिए खाती हूँ और देखते रहिए आप सब भी। ये मैंने यहाँ पे पानी चावल नमक सबको मैंने एक तरफ मिक्स कर लिया है, तो इसमें मैं थोड़ी सी ऑयल डाली हूँ हल्का सा, क्योंकि ऑयल के बिना भी मैं नहीं खा सकती हूँ ये चावल। तो और इसमें मिर्ची हो और थोड़ी सी अचार और थोड़ी सी आलू अगर बॉयल होता ना तो वो क्या बात, आज का मतलब एक क्या कहते हैं चिकन भी फेल है मेरे सामने। तो चलिए खाती हूँ। तो मैं स्टार्ट कर दी पांता भात खाना, तो वाइट फूड का हिसाब से यही है मेरी लंच आज की। और मैं खाने वाला जो पार्ट है ना उसको मैं फर्स्ट फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुकी थी इसलिए मुझे फर्स्ट करना पड़ा जो खाने वाला भाग है। मज़ा आ गया, मतलब बहुत दिन बाद मैं पांता भात खाई, मैं नॉर्मली पांता भात नहीं खाती हूँ। खुशी के जन्म होने के बाद मैं आज आज मैं पांता भात खा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, नॉर्मली मैं नहीं खाती, मुझे उतना पसंद नहीं है, बट आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मेरी चैलेंज भी पूरा हो गया।
तो बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइस इस चैलेंज वीडियो को बनाने के लिए। जो भी देख रहे हो प्लीज़ फुल वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का प्यारा प्यारा कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ताकत देती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ। और बहुत गर्मी है, आप देख सकते हो मैं पसीना पसीना हो रही हूँ क्योंकि फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें ना करके एकदम मैं इवनिंग में मैं क्या खाती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं सीधे जाके इवनिंग में, ठीक है। तो गाइस अभी है इवनिंग का टाइम, मतलब 8 बज चुकी है अभी, और अभी मैं थोड़ी सी कुछ खाऊंगी। तो मुझे ना पांता भात खाने के बाद भूख ही नहीं लगी थी, तो मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ सोचते सोचते अभी इतना ज़्यादा लेट हो चुकी है। पीछे देख सकते हो अंधेरा, देखिए बाहर। तो अभी है रात 8 बज रही है, तो मैं थोड़ी सी कुछ खाऊँगी हल्का सा, और मेरा पेट पता नहीं क्या जो मैं खा रही हूँ, पेट मेरा फुल हो जा रहा है, सिर्फ खाई जा रही हूँ। तो चलिए मैं अभी इवनिंग में क्या खा रही हूँ वो दिखाती हूँ आप सबको। तो अभी मैं खाऊँगी सूजी का हलवा। हाँ, तो सूजी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी से मैं चैलेंज के लिए मैं खा रही हूँ, क्योंकि और कुछ था नहीं, मतलब मूढ़ी ये सब था, पोहा मूढ़ी, तो वो खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे हलवा बनाई, तो खुशी के लिए भी हो गई और मेरे लिए भी हो गया। तो चलिए खाती हूँ सूजी का हलवा। मैंने ख़त्म कर दिया, मेरा अभी का चैलेंज पूरा हो गया, इवनिंग का चैलेंज भी मेरा पूरा हो गया। और अभी मैं एकदम लास्ट में मिलती हूँ डिनर के टाइम में। पता नहीं मैं डिनर में क्या खाऊंगी, मेरा पेट ऑलरेडी फुल है, अभी 8 बज रही है, तो आप सोच सकते हो मैं क्या खा सकती हूँ। तो कुछ हल्का सा खा लूँगी, तो जो भी खाऊँगी वो तो शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो चलिए मैं डिनर के टाइम फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो अभी है रात की 10:30 बज रही है और मैं अभी डिनर करूँगी। तो जैसे मैं पहले ही आप सबको बताई कि मैं रात को थोड़ा सा हल्का सा ही कुछ खाऊंगी, क्योंकि मैं 8 बजे सूजी खाई है और सूजी थोड़ा सा पेट भरता ही है, और मैंने फुल एक बाटी खाई थी। तो अभी हल्का सा मैं ली हूँ, और क्या है दिखाती हूँ मेरी आज की थीम की वजह पे, मतलब वाइट फूड के ऊपर। तो चलिए दिखाती हूँ क्या है। ये है मेरी आज की रात की डिनर। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी दूध ली हूँ, क्योंकि मैं दूध भी नहीं खाती हूँ और आज मुझे खाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं थी मेरे पास। और एक रोटी मैं ली हूँ, एक से मेरा हो जाएगा, दूध ऐसे पेट भर जाता है दूध से। तो चलिए फिनिश करती हूँ मैं इसको। तो देखिए मैं पूरा फिनिश कर दी, के साथ साथ मेरी 24 आवर्स वाइट फूड चैलेंज भी कंप्लीट होती है। और इसके बाद तो सोना है, इसके बाद तो कुछ खाना नहीं है। तो सच में बहुत मज़ा आया मुझे आज ये वीडियो करते हुए, तो और भी मज़ा आता अगर कुछ अच्छे अच्छे कुछ नया नया आइटम मैं लाती वाइट कलर की, बट नहीं हो पाया। मैं जैसे बोली जो मेरे घर में अवेलेबल होगी मैं उसी से करूँगी, क्योंकि मैं एक पैसा नहीं खर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वाइट से एक रुपया तो नहीं मिलते, मैं एक पैसा क्यों खर्चा करूँ, है ना। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए एंटरटेन करने के लिए मैं ये वीडियो आज बनाई, थोड़ी सी अलग थोड़ी सी हटके। तो बहुत गर्मी है, फ़ैन ऑफ किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है 2 दिन से इधर। तो चलिए इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ में रहिएगा, और जो मुझे रेगुलर देखते हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा हुआ मेरा आज की ये वीडियो। और मेरे से अगर कुछ आपको ऐसी चैलेंजिंग वीडियो कुछ लेना है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी उसे कॉम्प्लीट मतलब पूरा करने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय, ढेकुर भी उड़ गया। सो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, और हाँ गुड नाइट।